सारा को कॉस्मे में शबाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डोरेमोन वाले डोरा केक्स बनाएंगे, जिसका नाम सुनते ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये डोरा केक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम ये पैन केक्स का बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जितना मैदा लिया है, आधा कप जितना ये पिसी हुई चीनी है, 1 टेबलस्पून जितना ये कोको पाउडर, 1 टीस्पून जितना ये बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा, 1/8 टीस्पून जितना ये नमक। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाते हुए छान लेंगे। इसे मैं हटा दूंगी अच्छे से और एक बार मिला लेती हूँ। अभी मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना फ्लेवरलेस ऑयल डाल रही हूँ और अभी मैं इसमें 1 कप जितना दूध लिया है, पर दूध हम एकदम से ऐड नहीं करेंगे, देख देख के ऐड करते जाएंगे। और सबसे आखिर में ये वैनिला एसेंस के 5 से 6 ड्रॉप डाल रही हूँ इसमें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। अच्छे से मिलाएंगे इसे भी। तो ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी लाने के लिए मुझे 3/4 कप जितना दूध डालना पड़ा है इसमें। अभी हम इसके डोरा केक्स बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, अभी यहाँ पर मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अच्छी क्वालिटी का नॉनस्टिक पैन है तो मुझे इसके ऊपर अलग से बटर लगा के ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपके पास इस तरह का नॉनस्टिक पैन नहीं है तो आप तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा के उसे एक टिश्यू पेपर से पोंछ ले, उसके बाद ही आगे ये पैनकेक्स बनाना शुरू करें। ये पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी मैं इसके ऊपर ये बैटर डालती जाऊंगी। मैं छोटे छोटे पैनकेक्स बनाने वाली हूँ तो मैं 1 टेबलस्पून का यूज़ कर रही हूँ। 1 ही साइज़ के चाहिए हमें, हमें साइज़ चेंज नहीं करना है, इसलिए हम बराबर से 1 ही साइज़ में इसे डालते जाएंगे। एक ही जगह पर हमें ये बैटर डालना है, इसे इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप अपना शेप लेता जाएगा। इसे हमें पूरी तरह से ड्राई होने से पहले पलट लेना है। तो ये देखिए, एक साइड से मुझे दिख रहे हैं कि ये पक गए हैं, तो अभी मैं इसे पलट लूंगी। पूरी तरह से ड्राई होने से पहले हमें इसे पलटना है। वाह, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे बने हैं ये। इसे हम दूसरे साइड से भी अच्छे से पकने देंगे। ये दूसरे साइड से भी पक गए हैं, अभी मैं इसे पलट रही हूँ। वाह, ये देखिए बहुत ही अच्छे हमारे पैनकेक्स बनके तैयार हो गए हैं। देखिए, अभी मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में और इसी तरह से मैं और थोड़े पैनकेक्स बना के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पैनकेक्स बन के तैयार हो गए हैं। इतने इंग्रेडिएंट्स में हमने ये 16 पैनकेक्स बना के तैयार किए हैं। थोड़े छोटे छोटे ही बनाए हैं मैंने, बहुत बड़े नहीं बनाए हैं। आप देख सकते हैं टेक्स्चर इसका ए साइड से और ये दूसरी साइड से, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये। अभी मैं इसे ये जो अंदर वाला साइड है, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला, ए वाले साइड से ये नटेला
लगा रही हूँ इस तरह से, अच्छे से स्प्रेड करेंगे इसे। और अभी मैं इसे ये दूसरा वाला पैनकेक अंदर वाला साइड यहाँ पर डालेंगे और अच्छे से पैक करेंगे इसे। ये हमारा डोरा केक बनके तैयार है। इसी तरह से मैं बाकी के डोरा केक्स बना के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, ये हमारे डोरा केक्स बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी, ताकि जो हमने नटेला अंदर लगाया है वो भी थोड़ा सेट हो जाए और बाहर ना निकले इसमें से। तो इसके लिए मैं थोड़ी देर, एक 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख के निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये डोरा केक्स को मैंने फ्रिज में आधा घंटे के लिए रख के बाहर निकाला है। बिल्कुल सेट लग रहे हैं मुझे। अभी मैं इसे इस प्लेट पर निकाल रही हूँ। अभी मैं इसके ऊपर थोड़े से एक गार्निशिंग के लिए चोको चिप्स और वर्मिसली डाल रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है ये। ये तैयार है। तो हमारे बहुत ही टेस्टी डबल चॉकलेट डोरा केक्स बनके तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए। यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आज आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा रेसिपीज़ देखने के लिए आप चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.sarahcookhouse.com। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।